बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको पता है कि ये जो एज ए ओल्बी अजारा डिवीजन जो है बायोडाइवर्सिटी के लिहाज से बड़ा इम्पॉर्टेंट है, और फिर उसमें जो हमारा गलियात रीजन है एक्सटेंडिंग टू मरी, ये जो है एक बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो एग्ज़ाम्पल है मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट जो है पाकिस्तान में। और इसमें जो यूबिया नेशनल पार्क है फिर वो एक प्रोटेक्टेड एरिया है और उसकी एक अपनी सिग्निफिकेंस है। तो आपको पता है आजकल स्टूडेंट जो है वो ज़्यादातर क्लासेस तक जो है वो महदूद रहते हैं। तो आपको पता है कि बॉटनी जो है एक फील्ड का सब्जेक्ट है, और जब तक स्टूडेंट को आप फील्ड में ना ले जाएं तब तक उन्हें जो है वो प्लांट्स का पता नहीं चलता। तो आज हमारे एमफिल के पीएचडी के स्टूडेंट्स बीएस जो हैं उनकी कुछ क्लासेस के स्टूडेंट को आज हम ले आए, जिसमें हमारा ट्रिप था ये मरी का और अयूबिया का। तो उसमें था कि स्टूडेंट के हम अंदर अवेयरनेस भी आए, तो उसमें एक हमारा ये भी था कि नेशनल पार्क क्या होता है और अयूबिया नेशनल पार्क जो है क्या है और इसकी क्या जो है वो इम्पॉर्टेंस है, रोल है। तो उसमें अयूबिया नेशनल पार्क जो है ये कंजर्वेशन के लिहाज से और टूरिज्म के लिहाज से और रिसर्च के लिहाज से एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्क है। ये न सिर्फ इसके अंदर मुख्तलिफ जो है वो थ्रेटन्ड इंडेंजर्ड और इस तरह के प्लांट और एनिमल स्पीशीज़ हैं, बल्कि ये टूरिज्म के का भी एक बहुत बड़ा बायस है। पूरी जो है पाकिस्तान से बल्कि बाहर से भी लोग आते हैं यहाँ पे टूरिस्ट। तो उसमें ज़ाहिर है ये टूरिज्म के अट्रैक्शन में भी प्लांट्स का और एनिमल का बड़ा रोल है। तो आज हमारा उसमें ये भी था कि अयूबिया के जो थोड़ी सी फेमिलैरिटी जो है स्टूडेंट्स को आ जाए, क्योंकि बॉटनी में हमारा जो सब्जेक्ट है टैक्सोनॉमी का, इसमें जो है स्टूडेंट थोड़ा सा एलर्जिक होते हैं इससे, क्योंकि आपको पता है कि प्लांट्स के नाम और इनका नामनक्लेचर और जो इसके रूल रेगुलेशन है, जो अगरचि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बड़ा आसान सब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी जो है थोड़ा सा स्टूडेंट इससे एलर्जिक होते हैं। तो उनको हम फील्ड में ले आए ताकि प्रैक्टिकली जो है उनको आज हम बता दें, क्योंकि ये सीज़न भी है, कि कौन से प्लांट्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन से ट्री स्पीशीज इंपॉर्टेंट हैं, कौन से थ्रेटन्ड हैं, कौन से कामन हैं, कौन से इन्वेसिव स्पीशीज़ हैं। जिस तरह अभी आपके सामने मैंने इनको ये एक वाइट बड़ा खूबसूरत फूल खिले हुए हैं क्राइसेंथिमम गुलेदाउदी के, तो ये अब इस एरिया में जो है वो इन्वेसिव हो गया है। पहले जो है ये एग्जॉटिक था, कहीं से ला के ये लगाया गया, अब आप देखते हैं कि पूरे हमारा जो ये एरिया है ये इससे भर गया है। इसके अलावा यहाँ पे जिम्नोस्पर्म की 4-5 स्पीशीज़ हैं, वो हमने स्टूडेंट्स को बताई हैं, प्लस अल्मस जो है जो वाइल्ड ट्री स्पीशी है पाकिस्तान की जो कि रेड डेटा बुक में है, उसको हमने स्टूडेंट को उससे फेमिलियर कराया है, प्लस मेडिसिनल प्लांट्स हैं, पोडोफिलम हो गया, वेलरियाना हो गया, और प्रूनस पेडस है एक वाइल्ड फ्रूट है, और वाइबर्नम ग्रैंडिफ्लोरम गुच्छ उसको लोकल ज़बान में कहते हैं। तो इस तरह के काफ़ी सारे मेडिसिनल प्लांट्स, वाइल्ड फ्रूट्स और वाइल्ड वेजिटेबल्स जिसमें फर्न्स की कोई स्पीशीज़ हैं, वो स्टूडेंट को हमने जो है वो प्रैक्टिकली यहाँ पे उनको बताया है कि इन प्लांट्स की ये इम्पॉर्टेंट है। तो ये आज हमारा जो है पूरा इसका जो है वो पर्पज़ था इस टूर का।